प्रिय मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग लोकसभा सीट्स के संबंध में राज्यवार अध्ययन करेंगे। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें हम समझ लेते हैं कि लोकसभा में किस तरह से सीटों का बंटवारा किया गया है। वर्तमान में सदन में 543 सीटें हैं, जो अधिकतम 543 निर्वाचित सदस्यों के चुनाव से बनती हैं। 1952 और 2020 के बीच भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के दो अतिरिक्त सदस्यों को भी नामित किया गया था, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि जो दो अतिरिक्त सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के नामित किए जाते थे, उसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। यानी अब दो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नहीं नियुक्त किया जाता, नहीं नामित किया जाता। तो ये जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, अब ये नहीं होता। इसके अतिरिक्त आपको ये भी ध्यान में रखना है कि लोकसभा निचला सदन होता है, यानी लोअर हाउस होता है। चलिए, अब हम लोग भारत के राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या को देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें होती हैं, सबसे ज़्यादा सीट है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 43, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं, यानी 80 हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में 29 हैं, कर्नाटक में 28 हैं, गुजरात में 26 हैं, राजस्थान में 25 हैं, आंध्र प्रदेश में 25 हैं, ओडिशा में 21 हैं, केरल में 20 हैं, तेलंगाना में 17 हैं, असम में 14 हैं, झारखंड में 14 हैं, पंजाब में 13 हैं, छत्तीसगढ़ में 11 हैं, हरियाणा में 10 हैं, उत्तराखंड में 5 हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हैं, अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं, मणिपुर में 2 हैं, मेघालय में 2 हैं, त्रिपुरा में 2 हैं, मिजोरम में 1 है, नागालैंड में 1 है, सिक्किम में 1 है। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे कम मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में। देखिए, सिक्की सबसे छोटा सिक्का होता है, तो 1 रुपये का सबसे छोटा सिक्का होता है। तो इसे समझ सकते हैं कि सिक्के कम होते हैं और 1 रुपये का सिक्का आता है, तो ये इसे याद रख सकते हैं। और नागालैंड, नागालैंड में एक, देखिए कोई भी एक नागर सामने आ जाता है तो लोग डर जाते हैं। और नागालैंड भारत में सिर्फ एक है, एक ही राज्य है जिसका नाम नागालैंड है, तो याद रखिएगा। इस तरह से मिजोरम, मिजोरम एक है। देखिए, रम में लास्ट में लिखा है रम, रम माने राम, तो राम एक ही है। और रामो द्यू न भासते, राम दो नहीं बोलते, यानी झूठ नहीं बोलते, यानी राम एक ही है, राम दो नहीं बोलते, बल्कि एक ही बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। इस तरह से याद रख सकते हैं इसे। और उसके बाद लोकसभा सीटों के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी लोकसभा सीटों की संख्या ये देखिए निम्नलिखित हैं। दिल्ली में 7 है, जम्मू और कश्मीर में 5 है, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव में 2 हैं, चंडीगढ़ में 1 है, लद्दाख में 1 है, ये लद्दाख नहीं लद्दाख है, लक्षद्वीप में 1 है, अंडमान और निकोबार द्वीप में 1 है, पुदुचेरी में 1 है। यहाँ पर दीव में दीव होगा, दमन और दीव, दमन और दीव और दादर नगर हवेली, ये अब एक कर दिया गया है, पहले अलग अलग था। दादर और नगर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश था और दमन और दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन अब दोनों को एक में मर्ज कर दिया गया। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।